डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। हमारा जो अगला टॉपिक है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। बेसिकली वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसमें एक वर्ड आ रहा है वर्चुअल के बाद। वर्चुअल तो आप जानते हैं, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, यहाँ पर हम देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट एक क्या है, डिवाइस होता है जिसका हम यूज करते हैं, जिसका यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है एनवायरनमेंट से, ओके, एंड डिस्प्ले जो भी इंफॉर्मेशन इसने कलेक्ट किया है एनवायरनमेंट से। एंड जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट डेटा को कलेक्ट करेगा एनवायरनमेंट से, तो वहाँ पे क्या होगा, आउटपुट देगा, वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी जिससे कि यूज़र उसे यूज़ कर सके। तो जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है वो इंफॉर्मेशन ये डिस्प्ले करेगा टू बेसिकली यूजर्स के लिए, तो यूजर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सच एन इंस्ट्रूमेंट मे एम्प्लॉय अ ट्रांजूसर और सेंसर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट की हम जब भी बात करते हैं, तो वो ट्रांजूसर या सेंसर की बात करते हैं, जो कि सेंस करता है कि क्या चेंज हो रहा है फिजिकल पैरामीटर में। बेसिकली चेंजेस क्या आ रहे हैं फिजिकल पैरामीटर्स में, उसको हम सेंसर या ट्रांजूसर बोलते हैं। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांजूसर या सेंसर होगा, हो सकता है, वो क्या करता है, सेंस करता है कि क्या चेंज हो रहा है फिजिकल पैरामीटर में। जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर हुआ या प्रेशर हुआ, एग्जाम्पल फॉर, तो इसको ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा सेंस करके जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में ये कन्वर्ट करता है सेंसर या ट्रांजूसर। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं वोल्टेज हुआ, फ्रिक्वेंसी वेरिएशन, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो जो टर्म यूज हो रहा है इंस्ट्रूमेंट, ओके, जो टर्म यूज हो रहा है इंस्ट्रूमेंट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ फिजिकल सॉफ्टवेयर डिवाइस, ओके। द टर्म इंस्ट्रूमेंट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ फिजिकल सॉफ्टवेयर डिवाइस दैट परफॉर्म्स एन एनालिसिस ऑन डेटा एक्वायर फ्रॉम अनदर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एंड देन आउटपुट द प्रोसेस्ड डेटा टू डिस्प्ले और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस। तो जो भी आउटपुट बेसिकली हमें मिल रहा है, इंस्ट्रूमेंट ने क्या किया, इनपुट लिया, एंड जो भी वो कनेक्टेड है, मान लीजिए फिजिकल कोई भी सॉफ्टवेयर डिवाइस है, और वो परफॉर्म कर रहा है कि क्या वो वहाँ पे एनालिसिस हो रहा है, डेटा को एक्वायर करके जो भी एनालिसिस कर रहा है, देन वहाँ से क्या हो रहा है कि दूसरे इंस्ट्रूमेंट में, अनदर इंस्ट्रूमेंट से जो भी डेटा वहाँ से वो ले रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो आउटपुट होगा, आउटपुट जो होगा उसको प्रोसेस होगा एंड देन डिस्प्ले होगा वो आउटपुट। तो जो प्रोसेस्ड हुआ है आउटपुट वो डिस्प्ले होगा, एंड डिस्प्ले या रिकॉर्डिंग, तो डिस्प्ले या रिकॉर्डिंग, तो जो सेकेंड कैटेगरी है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट उसको हम बोलते हैं, जैसे कि ऑसिलोस्कोप हुआ, DSO होता है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप वो क्या करता है, स्टोर करता है। तो सेम थिंग स्पेक्ट्रम एनालाइजर हुआ या डिजिटल मिलीमीटर्स, ये सभी क्या है, रिकॉर्डिंग के लिए। एंड अब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन की बात होती है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये सेंसिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज को मर्ज करता है। वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होती है, मर्ज होते हैं सेंसिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, जिससे कि ये क्रिएट करता है एक फ्लेक्सिबल एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट फॉर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। बेसिकली जो भी इंस्ट्रूमेंट, ये फ्लेक्सिबिलिटी देगा वहाँ पे कि हम फ्लेक्सिबिलिटी मिले हमें, एंड जो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली यहाँ पे हमें किस लिए मिलेगा, कंट्रोलिंग सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट फॉर कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। तो हम कंट्रोल भी कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, एंड बेसिकली क्या एप्लीकेशन है उसको मॉनिटर करने के लिए। देन कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन वॉज बॉर्न इन लेट 1970s व्हेन माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजीज इनेबल्ड अ मशीन फंक्शन टू बी मोर इजीली चेंज्ड बाय चेंजिंग इट्स सॉफ्टवेयर। तो अगर उसके सॉफ्टवेयर को चेंज करते हैं तो क्या है कि हम इजीली चेंज कर सकते हैं मशीन के फंक्शंस को, और वो
इनेबल्ड होता है माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी से। एंड जो कंसेप्ट जो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन का वॉन हुआ था लेट 1970s में। ओके, देन हिस्ट्री की हम बात करें तो हिस्ट्री ऑफ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो डेवलपमेंट हुआ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन में उसको लिंक किया गया है एवोल्यूशन ऑफ स्मॉल इन एक्सपेंसिव पर्सनल कंप्यूटर्स और पीसीज। ओके, डेवलपमेंट ऑफ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन इज लिंक्ड टू द एवोल्यूशन ऑफ स्मॉल इन एक्सपेंसिव पर्सनल कंप्यूटर्स और पीसीज एंड प्रोग्रेस इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टू प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, मेजर डेवलपमेंट्स, व्हाइल द ओरिजिनल एप्लीकेशन ऑफ रिप्लेसिंग द कंट्रोल्स विद अ कंप्यूटर लिंक यूज्ड अ कमांड लाइन इंटरफेस, द यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड जी यू आई बेसिकली अभी मैंने आपको बताया था कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बिकेम एन एसेंशियल कंपोनेंट इन द लेटर वर्जन ऑफ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन सॉफ्टवेयर। एंड मेजर डेवलपमेंट्स दैट हेल्प वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन बिकम सक्सेसफुल वर डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स। ओके, ऑफ एडिक्वेट कंप्यूटिंग पावर, इवोल्यूशन ऑफ गुड GUI, डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर बसेस एंड इंक्रीजिंगली स्टेबल नेटवर्क प्लेटफॉर्म। दैट इज इतने एडवांटेज हैं इसके कि जो भी हम यूज़ कर रहे हैं बहुत से, जब डेवलप हुआ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन तो जो कॉस्ट थी कंप्यूटर की डेवलपमेंट, लो कॉस्ट कंप्यूटर सिस्टम एंड सफिशियंट कंप्यूटिंग पावर। ओके, एंड एवोल्यूशन ऑफ गुड GUI एंड इंक्रीजिंग स्टेबल नेटवर्क प्लेटफॉर्म, दैट इज दिस। तो अब यहाँ पे जब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन की बात, तो इसकी डेफिनेशन जो निकल के आई है, बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट हूज जनरल फंक्शन एंड कैपेबिलिटीज आर डिटरमाइंड इन सॉफ्टवेयर। तो इंस्ट्रूमेंट है जिसका जनरल फंक्शन और कैपेबिलिटीज डिटरमाइंड होती हैं सॉफ्टवेयर में, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। बेसिकली वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड बाय द यूजर टू डेवलप अ कंप्यूटराइज्ड टेस्ट एंड मेजरमेंट सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड एक्सटर्नल मेजरमेंट हार्डवेयर डिवाइस फ्रॉम अ डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड फॉर डिस्प्लेइंग टेस्ट और मेजरमेंट डेटा ऑन पैनल्स इन द कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, तो दिस वन इज वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो यहाँ पे क्या, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम बेसिकली क्या है, सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज जो है यूजर्स के द्वारा करते हैं, यूजर्स डेवलप करता है, क्योंकि कोई भी यूजर है, यूजर ही क्या करेगा, कंप्यूटर चलाएगा। तो डेवलप हुआ कंप्यूटराइज टेस्ट एंड मेजरमेंट सिस्टम एंड कंट्रोलिंग होता है, कंट्रोलिंग करने के लिए जो भी एक्सटर्नल मेजरमेंट हार्डवेयर डिवाइस है डेस्कटॉप कंप्यूटर से हम उसको कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं। एंड जो भी डिस्प्ले हो रहा है, डिस्प्ले के लिए टेस्ट फॉर डिस्प्लेइंग टेस्ट और मेजरमेंट डेटा ऑन पैनल इन द कंप्यूटर स्क्रीन। एंड यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, दिस वन इज वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन कंबाइंड होता है मेन स्ट्रीम के साथ, बेसिकली मेन स्ट्रीम कमर्शियल टेक्नोलॉजीज सच एज सी। ओके, जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो सी, विथ फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर एंड अ वाइड वैरायटी ऑफ मेजरमेंट। जो सॉफ्टवेयर होगा फ्लेक्सिबल और
जो मेजरमेंट की वैरायटी होगी काफ़ी ज़्यादा होंगी, एंड ये कंट्रोल करेगा हार्डवेयर को, एंड कंट्रोल हार्डवेयर सो वी कैन क्रिएट यूजर डिफाइंड सिस्टम। ओके, तो ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है हार्डवेयर को, जिससे कि क्या है, हम क्रिएट कर सकते हैं एक यूजर डिफाइंड सिस्टम, दैट मीट दैट देयर एग्जैक्ट एप्लीकेशन, जो कि मीट करेगा एक एग्जैक्ट जो जिस एप्लीकेशन की हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, एंड विथ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन वी कैन रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, डिजाइन हायर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड लोअर देयर कॉस्ट। तो जब हम वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो काफ़ी पैरामीटर है जिसका एडवांटेज हमें, डेवलपमेंट टाइम कम हो जाता है, जो डिजाइन है वो हाई, उसकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी हाई होती है डिजाइन करने की, एंड कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट भी यहाँ पे कम लगता है। तो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज, जिसमें यूज होता है सॉफ्टवेयर एंड मॉड्यूलर मेजरमेंट, तो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, इसमें यूज होते हैं सॉफ्टवेयर एंड मॉड्यूलर मेजरमेंट हार्डवेयर टू क्रिएट यूजर डिफाइंड मेजरमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे हार्डवेयर जो है वो क्रिएट करता है कि यूजर डिफाइंड सिस्टम। ओके, दैट इज़, ये आप देख रहे हैं, देखिए ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर से कनेक्टेड है, ग्राफिकल आइकन्स हार्डवेयर, दिस वन इज कनेक्टेड। ओके, तो दिस वन इज वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन, ओवरव्यू ऑफ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन, व्हाट इज वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन, है ना। हम वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है वो यहाँ पे हमने देखा है। देन अब हम बात करते हैं जो है वो है ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक। वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन में ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक बेसिकली क्या होता है, तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक, दैट इज़ ग्राफिकल टेक्निक, प्रोग्रामिंग टेक्निक की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे बात हो रही है लैब व्यू। लैब व्यू ये क्या है, ग्राफिकल प्रोग्रामिंग है। लैब व्यू क्या है, बेसिकली ग्राफिकल प्रोग्रामिंग है, ठीक है। ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट यूजेस आइकन, ओके, इंस्टेड ऑफ लाइंस ऑफ टेक्स्ट, ओके। तो दिस वन इज यूजेस लाइंस नॉट टेक्स्ट टू क्रिएट एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक है उसमें हम यहाँ पे जो है यूज करते हैं लैब व्यू, बेसिकली होता है लैब व्यू, क्या होता है, ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक होता है, ठीक। तो इससे पहले अगर हम बात करें कि जो ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है, तो बेसिकली मैंने बताया कि जो लैब व्यू होता है वो ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक होता है, जिसमें कि यूज होते हैं आइकन्स इंस्टेड ऑफ लाइंस ऑफ टेक्स्ट टू क्रिएट एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे आइकन्स यूज होते हैं, ना कि लाइंस ऑफ टेक्स्ट यूज होते हैं, जो क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं आइकन्स। ओके, जैसे कन्वेंशनल और ग्राफिकल प्रोग्रामिंग आया, तो कन्वेंशनल और ग्राफिकल प्रोग्रामिंग में क्या था कि अंटिल द 1990s, द प्रोग्रामिंग ऑफ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स वॉज अ टास्क स्ट्रिक्टली फॉर प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स हु रोट द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यूजिंग टेक्स्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज बेसिक C++ और पास्कल। देन द डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स सॉफ्टवेयर बाई प्रोफेशनल यूजिंग टेक्स्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज C++ इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडीसीएस एंड
तो वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडीसियस एंड इट टिपिकली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोग्राम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी पेजेस ऑफ सोर्स कोड रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेजेस दैट इज वर्चुअली अनरीडेबल बाई नैनो प्रोग्रामर्स एंड विच दस कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाई द टिपिकल यूजर्स ऑफ सच प्रोग्राम्स सो द डेवलपमेंट ऑफ वी आई वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन क्लोजली पैरेलल द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टूल्स हाउ एवर वी थिंक दैट वॉट इज वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन इज लिमिटेड ओनली टू ग्राफिकल प्रोग्रामिंग विल बी इनकरेक्ट वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दिस मे कम थ्रू द यूज ऑफ एक्सटेंशन लाइब्रेरीज फॉर लैंग्वेजेस और एज डेडिकेटेड कंपाइलर्स कंटेनिंग वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन टूल्स लाइक द लैब विंडोज ओके सिंस अ लैब व्यू प्रोग्राम इज कॉल्ड वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन जो लैब व्यू प्रोग्राम उसको क्या बोलते हैं वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन इट इज समटाइम्स दैट वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन इज सिनोनिम्स विथ लैब व्यू दिस इज इनकरेक्ट सिंस वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन नीड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ओनली इन लैब व्यू एंड इन फैक्ट इवन द यूज ऑफ ए ग्राफिक और डेटा फ्लो एनवायरमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड ओके सो ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक बेसिकली लैब व्यू इज अ ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट यूजेस आइकन्स इंस्टेड ऑफ लाइन्स ऑफ टेक्स्ट टू क्रिएट एप्लीकेशन इन कंट्रास्ट टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वेयर इंस्ट्रक्शन डिटरमाइंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जहाँ पर इंस्ट्रक्शन डिटरमाइन करता प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और लैब व्यू में यूज होते हैं डेटा फ्लो लैब व्यू यूजेस डेटा फ्लो प्रोग्रामिंग वेयर द फ्लो ऑफ डेटा डिटरमाइन एग्जीक्यूशन ऑर्डर ओके तो लैब व्यू में यूज होता है डेटा फ्लो प्रोग्रामिंग जहाँ पर फ्लो ऑफ डेटा डिटरमाइन करता है एग्जीक्यूशन ऑर्डर को तो लैब व्यू जो है लैब व्यू प्रोग्राम आर कॉल्ड वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट लैब व्यू प्रोग्राम को क्या बोलते हैं हम वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे कंट्रोल क्या होते हैं इनपुट एंड इंडिकेटर क्या होते हैं आउटपुट तो बेसिकली यहाँ पे जो आइकन्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं कंट्रोल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट एंड इंडिकेटर होते हैं आउटपुट तो हमें जब भी हम लैब व्यू प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट एंड जो कंट्रोल्स होते हैं वो क्या होते हैं इनपुट एंड इंडिकेटर क्या होते हैं आउटपुट एंड ईच वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन कंटेंट थ्री मेन पार्ट जितने भी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं उनमें क्या होते हैं तीन मेन पार्ट होते हैं वो देखते हैं हम लोग दिस वन ओके दिस वन थ्री मेन पार्ट फर्स्ट वन इज विंडो ओके तो इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं विंडो को फ्रंट पैनल विंडो ब्लॉक डायग्राम विंडो एंड आइकन पेन ओके तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीन तरह से हम इसको कर सकते हैं तो तीन तरह से इसको डिवाइड किया गया है और उसको हम देख रहे हैं कि थ्री टाइप्स इसको थ्री कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है पहला है फ्रंट पैनल देन ब्लॉक डायग्राम विंडो एंड आइकन पेन ओके तो यहाँ पे जो फ्रंट पैनल की बात हो रही है फ्रंट पैनल हाउ द यूजर इंटरैक्ट विद द वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे यूजर इंटरैक्ट होता है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन से ओके देन सेकंड वन इज ब्लॉक डायग्राम विंडो ब्लॉक डायग्राम में द कोड दैट कंट्रोल्स द प्रोग्राम
कोड कैसे कंट्रोल करता है प्रोग्राम को, द कोड दैट कंट्रोल द प्रोग्राम। थर्ड वन इज आइकन पेन। आइकन पेन बेसिकली मीन्स ऑफ कनेक्टिंग अ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन टू अदर वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। एक वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन से दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, दिस वन इज आपका आइकन पेन। तो फ्रंट पैनल विंडो की हम बात करते हैं, तो फ्रंट पैनल विंडो बेसिकली यहाँ पे हम देखें तो फ्रंट पैनल विंडो में हमारा जो होगा वो क्या होगा, पहली चीज़ तो ये है कि लैब व्यू में वी कैन बिल्ड अ यूजर इंटरफेस बाय यूजिंग अ सेट ऑफ टूल्स एंड ऑब्जेक्ट। लैब व्यू में हम बिल्ड कर सकते हैं, वी कैन बिल्ड अ यूजर ओके इंटरफेस बाय यूजिंग अ सेट ऑफ टूल्स एंड ऑब्जेक्ट। द यूजर इंटरफेस इज नोन एज फ्रंट पैनल। जो यूजर इंटरफेस होगा उसको हम बोलते हैं फ्रंट पैनल। देन ऐड कोड यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन टू कंट्रोल द फ्रंट पैनल ऑब्जेक्ट। और जो हम ऐड करते हैं कोड जिसमें यूज कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है फंक्शन का, वो कंट्रोल करता है फ्रंट पैनल जो है ऑब्जेक्ट के। ओके, देन ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पे जो दिखाया गया है कि ये कोड है बेसिकली ब्लॉक डायग्राम विंडो, तो इसमें आप देख रहे हैं तो यहाँ पे इन सम वे द ब्लॉक डायग्राम रिजेंबल अ फ्लो चार्ट यूजर इंटरेक्ट विद द फ्रंट पैनल व्हेन प्रोग्राम इज रनिंग। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि जो है हम बात कर रहे हैं कि जो फ्लो चार्ट हर चीज़ का एक फ्लो चार्ट होता है, वो हम किसी भी फ्लो चार्ट में कंडीशन लिख सकते हैं कि यस दिस वन इज़ ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू देन हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और अगर फॉल्स हुआ तो वो वापस फिर से वहाँ पे वो जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रोग्रामिंग तो वहाँ पे लूप चले गया, देन अगेन फिर से वो क्या कोड चेक होगा। तो यहाँ पे क्या है, यूजर इंटरेक्ट कर रहा है फ्रंट पैनल के साथ जब प्रोग्राम क्या है रन होता है। ओके, यूजर कैन कंट्रोल द प्रोग्राम चेंज इनपुट एंड सी डेटा अपडेटेड इन रियल टाइम। बेसिकली यूजर कंट्रोल करता है इस प्रोग्राम को और जो भी इनपुट चेंज हो रहा है, इनपुट चेंज एंड जब इनपुट चेंज होगा तो डेटा जो अपडेट होगा रियल टाइम में, तो उस डेटा को देख सकते हैं कि क्या अपडेट हुआ। कंट्रोल्स आर यूज फॉर इनपुट सच एज स्लाइडिंग कंट्रोल, अलार्म, टर्निंग अ स्विच ऑन और ऑफ एंड टू स्टॉप अ प्रोग्राम। तो कंट्रोल मैंने अभी आपको बताया था कि कंट्रोल जो होते हैं वो इनपुट्स होते हैं, और वो मैंने एग्जांपल बताया कि जैसे आप स्लाइडिंग कंट्रोल हो गया, अलार्म हो गया, टर्निंग अ स्विच हो गया, उसको ऑन ऑफ कर रहे हैं ओके एंड स्टॉप अ प्रोग्राम। इंडिकेटर बेसिकली क्या हो जाते हैं, इंडिकेटर बेसिकली ये यूज़ होते हैं आउटपुट की तरह, आउटपुट होते हैं ओके सच एज थर्मोमीटर, कॉमा लाइट एंड अदर इंडिकेटर डिस्प्ले आउटपुट वैल्यूज फ्रॉम द प्रोग्राम। ठीक है, तो जो भी डिस्प्ले की बात कर रहे हैं, आउटपुट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्या होंगे, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हमारे क्या होते हैं, आउटपुट होते हैं। एग्जांपल जैसे थर्मोमीटर हुआ, लाइट या कोई भी अदर इंडिकेटर डिस्प्ले टाइप जो आउटपुट को डिस्प्ले करे प्रोग्राम से ओके। एवरी फ्रंट पैनल कंट्रोल और इंडिकेटर हैज अ करेस्पॉन्डिंग टर्मिनल ऑन द ब्लॉक डायग्राम एंड व्हेन अ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन इज रन वैल्यू फ्रॉम द कंट्रोल फ्लो थ्रू द ब्लॉक डायग्राम वेयर दे आर यूज्ड इन द फंक्शन एंड रिजल्ट आर पास्ड इनटू अदर फंक्शन और इंडिकेटर थ्रू वायर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कंट्रोल हो रहा है, वैल्यू कंट्रोल हो रही है, वैल्यू बेसिकली जब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन हमारा VI रन होगा, तो जब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन रन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो वैल्यू है
वो कंट्रोल होती है इसके द्वारा, वो वैल्यू कंट्रोल फ्लो से कहाँ पे जाती है, जो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन जब रन होगा तो वैल्यू जो है कंट्रोल फ्लो से थ्रू ब्लॉक डायग्राम, जहाँ पे वो क्या यूज हो रहा है फंक्शन, जिस फंक्शन में यूज हो रहा है, एंड जो रिजल्ट है वो पास होगा अदर फंक्शन में और इंडिकेटर थ्रू वायर्स, दैट इज़ दिस। तो बेसिकली यहाँ पे एक आइकन पेन आया था। तो फ्रंट पैनल विंडो की हम जब बात करते हैं, तो फ्रंट पैनल विंडो क्या होगा कि व्हेन यू ओपन अ न्यू और एग्जिस्टिंग वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन, द फ्रंट पैनल ऑफ द वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन अपीयर्स, द फ्रंट पैनल इज द इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस फॉर द वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन, इट इज नेम्ड अ फ्रंट पैनल बिकॉज इट स्टिमुलेट्स द फ्रंट पैनल ऑफ ए फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर्स दैट लैब व्यू ऑफर्स इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट इज इट्स ग्राफिकल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट टू डिजाइन कस्टम वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स बाई क्रिएटिंग अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, एंड ब्लॉक डायग्राम विंडो, द ब्लॉक डायग्राम विंडो इज यूज्ड टू प्रोग्राम फॉर द फ्रंट पैनल, द फ्रंट पैनल ऑब्जेक्ट्स अपीयर एज टर्मिनल्स ऑन द ब्लॉक डायग्राम एंड द कंपोनेंट्स वायर्ड टूगेदर। आफ्टर द फ्रंट पैनल इज बिल्ट, कोड्स आर एडिड यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फंक्शंस इन द ब्लॉक डायग्राम टू कंट्रोल द फ्रंट पैनल ऑब्जेक्ट्स। द ब्लॉक डायग्राम कंटेन्स द ग्राफिकल सोर्स कोड कंपोज्ड ऑफ नोड्स टर्मिनल्स एंड वायर्स। एंड आइकन पेन, दीज आर कनेक्टर्स, आइकन या कनेक्टर। एवरी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्प्ले एन आइकन इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द फ्रंट पैनल एंड ब्लॉक डायग्राम विंडोज। एन आइकन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। द आइकन कैन कंटेन बोथ टेक्स्ट एंड इमेजेस टू यूज अ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन एज अ सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। सो यू नीड टू बिल्ड अ कनेक्टर पेन। द कनेक्टर पेन इज अ सेट ऑफ टर्मिनल्स दैट करेस्पॉन्ड टू कंट्रोल एंड इंडिकेट्स ऑफ दैट वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, देन नेक्स्ट वन, दिस इज सम एग्जाम्पल। ओके, डिस्कस विद दिस वन इज फ्रंट पैनल। ओके, दिस वन इज फ्रंट पैनल, दैट इज फ्रंट पैनल विंडो, एंड इट इज शोज दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। दिस वन इज रिप्रेजेंट ए एंड दिस इज रिप्रेजेंट बी एंड दीज आर इनपुट्स। देन ए प्लस बी परफॉर्म दिस एंड ए माइनस बी परफॉर्म दिस। दिस वन इज फ्रंट पैनल विंडो। तो बेसिकली यहाँ पे ये दिखाया गया कि हम इनपुट दे रहे हैं कोई वैल्यू ऐसी, जनरली हमने ले लिया 0.00, ऐड करेंगे कुछ पर जीरो जाएगा ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे। अब अगर हम इस चीज़ को देखना चाहते हैं ब्लॉक डायग्राम विंडो में, दिस वन इज ब्लॉक डायग्राम विंडो, तो ब्लॉक डायग्राम विंडो में आप देख रहे हैं दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी, एंड यहाँ पे इंडिकेट किया गया है एरो से। ओके, एंड दीज आर कंट्रोल टर्मिनल्स, दिस वन इज कंट्रोल टर्मिनल, एंड कंट्रोल टर्मिनल्स बेसिकली कंट्रोल यूज एज इनपुट। एंड यहाँ पे आप देखेंगे एडिशन हो रहा है, एड तो पॉजिटिव साइन, एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो दिस वन इज नेगेटिव। तो इनको हम बोलते हैं नोड्स, इनको क्या बोलते हैं नोड्स। ओके, तो ए प्लस बी करना है, ए यहाँ से इनपुट आया एंड बी यहाँ से इनपुट आया, देन ए प्लस बी ये परफॉर्म हो गया। एंड ए माइनस बी परफॉर्म करना है हमें, तो ए यहाँ से आया एंड बी यहाँ से आया, तो सब्ट्रैक्ट हुआ ए माइनस बी। एंड दीज आर इंडिकेटर्स टर्मिनल बिकॉज
इंडिकेटर जो यूज होते हैं वो आउटपुट के लिए यूज होते हैं, ओके। एंड यहाँ पे आपने देखा कि हम लोग जो यूज कर रहे हैं नोड्स, ये हो गए, ओके, दैट इज दीज आर वायर्स, दिस वन इज वायर्स, देखिए दिस वन वायर, वायर्स भी लगे हुए यहाँ पे, ओके। देन तो दीज आर वायर्स, ओके, कंट्रोल टर्मिनल्स, दिस वन इज कंट्रोल एंड दिस वन इज आपका इंडिकेटर टर्मिनल्स। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज कन्वर्जन फ्रॉम फारेनहाइट टू सेल्सियस, ओके, फारेनहाइट टू सेल्सियस। तो दिस वन इज कन्वर्जन फ्रॉम फारेनहाइट टू सेल्सियस। बेसिकली हम जब फारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो एक फार्मूला होता है C/5 इक्वल टू एफ माइनस 32/9, C/5 इक्वल टू एफ माइनस 32/9, दिस फार्मूला। तो फारेनहाइट से किस में कन्वर्ट होगा, सेल्सियस में। दिस वन इज फ्रंट पैनल, ओके, दिस वन इज इंडिकेट फारेनहाइट एंड दिस वन इज सेल्सियस, दिस इज फ्रंट पैनल, ठीक है। देन फ्रंट पैनल, सो फ्रंट पैनल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अब आता है ब्लॉक डायग्राम, दिस वन इज ब्लॉक डायग्राम, ओके, दिस वन इज ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, दैट इज दिस वन इज एफ, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा ये आप देख रहे हैं ये मिसिंग है थोड़ा सा, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये माइनस है इसमें, ठीक। हमारा जो फॉर्मूला है क्या है, एफ माइनस 32, एफ यहाँ से आया और ये हमने यूज़ किया तो माइनस 32 के लिए एफ माइनस 32 यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ओके। देन दिस वन आगे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे ये डिवाइड का सिंबल है, ओके। तो एफ माइनस 32 अगर सी की वैल्यू निकालनी है तो ये 5 इसके नीचे ले जाएं तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस 32 अपॉन 1.8, 9/5 कितना होगा, 1.8। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, एफ माइनस 32 यहाँ पे आ गया, देन उसको डिवाइड किससे करना है, 1.8 से, तब ये आ जाएगा, देखिए तो डिवाइड, देन सी हमारा डिस्प्ले होगा दिस वन। तो यहाँ पे कुछ हम लोग यूज़ करते हैं कलर्स, ओके, दिस वन इज वेट, एक मिनट, ओके, एंड दिस, तो दिस वन इज ऑरेंज कलर, ओके, एंड दिस वन इज ब्लू कलर, 32 जो ब्लॉक में लिखा हुआ है, ब्लॉक जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं बॉर्डर, 32, दिस वन इज ऑरेंज, दिस वन इज नोड एंड दिस वन इज ऑल्सो ऑरेंज कलर, ओके, डिग्री सी। तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स में दिखाया गया है, डिफरेंट कलर्स में हम लोग दिखाते हैं तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा। देन अब एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन हम लोग बात कर रहे हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने मान लिया ये दिस वन इज एक्स एंड दिस वन इज वाई आउटपुट, एंड ब्लॉक डायग्राम, ये तो फ्रंट पैनल विंडो है, ब्लॉक डायग्राम विंडो में क्या होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम विंडो में आपने देखे यहाँ पे एक्स दिया, ओके, एक्स हमें ये चाहिए, एक्स के साथ हमें क्या ऐड करना है, एक्स स्क्वायर ऐड करना है एंड 1। तो हमने क्या किया, एक्स यहाँ से इनपुट आया डायरेक्टली इसमें दिया हमने नोड में जिसमें प्लस साइन है, नहीं पहले इसमें प्लस नहीं होगा, प्लस बिकॉज हमें एक्स स्क्वायर चाहिए तो आगे हमें ऐड करना होगा,
हमने क्या किया, एक्स इनपुट दिया, इस नोड में हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया दिस इसके अंदर, ओके एक्स डायरेक्ट जा रहा है एंड उसी का एक्स हमने यहाँ पे दे दिया, तो एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स डायरेक्ट जा रहा है एंड एक्स यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दिस वन वेट दिस वन, तो यहाँ से देखिए एक्स आया, ओके एंड दिस वन इज एक्स ऑल्सो, तो दिस जो मल्टीप्लाई किए हैं इस नोड में वो क्या मिल जाएगा, इसका आउटपुट एक्स स्क्वायर, और एक्स यहाँ से ये आया देखिए एंड वन यहाँ से आया, सबको ऐड कर दिया हमने, ये ऐड वाला है सिंबल, तो एक्स एक्स ये हो गया, एक्स स्क्वायर ये हो गया, वन ये हो गया, तो ये पूरा इक्वेशन आ गई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन एंड कलर्स यूज डिफरेंट कलर्स यूज फॉर द बॉर्डर ऑफ ब्लॉक, जो बॉर्डर होंगे जितने भी ब्लॉक्स के बॉर्डर हैं उनको हम लोग की थिकनेस उसका क्या है उसके बॉर्डर्स को हम लोग डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं। तो ये हमारा था कि ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ओके अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, थैंक यू, ओके।